भारत नेपाल सीमा पर 2 करोड़ रुपए की चरस बरामद की गई है। ये चरस नेपाल के रास्ते 2 महिला भारत ला रही थी, जिसे पुलिस और SSB की संयुक्त टीम ने रुपेडिया रोडवेज के पास गिरफ्तार किया। जनपद बहराइच के भारत नेपाल के कस्बा रुपेडिया के रोडवेज बस से 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर उनके पास 6 किलो 400 ग्राम चरस बरामद किया गया है। पूछताछ से महिलाओं ने बताया कि हम लोग नेपाल से लाकर हिमाचल प्रदेश ले जाने वाले थे। वहीं दोनों महिला मूलतः नेपाल की नागरिक है। माया देवी पत्नी दिन प्रसाद सरसाड़ी निवासी दाबांगा जिला रोलपा नेपाल, सिर कुमारी कामी पिता आशा बहादुरी कामी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में लगातार बहराइच पुलिस व साथी एजेंसियों जैसे कि SSB के द्वारा सूचनाएं संकलित की जा रही हैं। इन्हीं के आधार पर जो अक्रॉस दी बॉर्डर मादक पदार्थों की जो तस्करी होती है, जो लोग उसमें लिप्त हैं, उनसे संबंध में वॉच भी रखी जा रही है। इसी क्रम में थाना रुपईडीहा पुलिस व स्थानीय SSB की टुकड़ी द्वारा 2 महिलाओं को संदिग्ध अवस्था में रोका गया। उनके पूछताछ और जामा तलाशी से पाया गया कि उनके पास अवैध रूप से मादक पदार्थों की बड़ी खेप है, जिसमें से कि 6 किलो 400 ग्राम जो चरस है वो बरामद की गई है। इसमें 2 महिलाएं माया देवी व सर कुमारी, इनको अरेस्ट किया गया है। इनसे मादक पदार्थों के संबंधित जो तस्करी में और भी लोग लिप्त हैं, उनके बारे में भी जानकारियां प्राप्त की जाएंगी। आने वाले दिनों में भी इस अभियान में लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इन दोनों को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है।